सो हेलो सब गाइस, कैसे हो आप सब। मैं आपका भाई निक्कू और आप देख रहे हो निक्कू व्लॉग्स। तो गाइस ये देखो भाई, हमसे कौन मिलने आया? गोमू, और अपने डॉगी को लेके आया साथ में। ये देखो कितना प्यारा सा छोटा सा टफी, 6 मंथ, 6 महीने का है। इसके अंदर मेरे को आंखें अच्छी लगी, पिंक हो रखी है ना साइडों में से, ये अच्छी लग रही है। ओ भाई, इसको जोजो से मिलवाए, लड़ाई ना हो जाए। गाइस एक बार भाई जोजो को बड़े डॉगी से मिलवाया था, 2 साल के डॉगी से, डरा के भगा दिया था जोजो ने। गाइस जोजो के अंदर ना गुस्सा बहुत ज्यादा है उसको, ना जब ये लगता है ना मेरे घर में कोई और डॉगी आया है उसको गुस्सा आता है बहुत ज्यादा। ये हमारा एरिया है, दूर रखना बस। गाइस कल ना भाई जोजो ने मेरे को पैर में भी बुड़का भर लिया था, ये देखो। टफी के चक्कर में मैं जोजो के पास से निकल रहा था, जोजो ने मेरे को ही बुड़का भर लिया, इतना गुस्सा आ रहा था जोजो को। ओ जोजो आ गया। ओ भाई यहाँ यहाँ तक आ गई ये, भाई लैपटॉप गिरा देगा रिया, बैड पर बिठा ले इसको, बैड पर बिठा ले। भाई साहब तू चुप, वो कुछ नहीं करेगा ठीक है। कान में दर्द कर दिया गाइस इन्होंने। ओ पास में आ गया, दूर ले जा। तो नहीं गाइस, हमारे ना भाई सारे कुत्ते लड़ाकू हो गए। तू भी चुप हो जा। ये तो चुप हो जाएगा, जो तो चुप नहीं हो रहा। हाँ क्या हुआ? हाथ सर पे और पैर दीवार पे इसके। गाइस हमें ना भाई बहुत देर हो गई है, दोस्ती कर ही नहीं रहे हैं, बहुत कोशिश करवा ली। ये टफी डर रहा है उससे, तो इतना शैतान क्यों है जोजो? ये देखो गाइस, ये देखो वो डर रहा है, देखो वो डर डर के भूख रहा है। वो भाई गाइस पूरा खुल गया जोजो, वो भाई हार्ट अटैक ना आ जाए, ये डर रहा है जोजो से। गाइस दोस्ती तो दूर की बात, इनकी ना दुश्मनी होगी। अभी फिलहाल मैं खा रहा हूँ खाना, आज खाने में पनीर के परांठे और दही। तो अभी खाना खाते हैं और खाना खा के चलते हैं चीनू को स्कूल से लेने। तो चलो गाइस चलते हैं। तो गाइस मैं सोच रहा हूँ भाई चीनू के साथ ना एक दिन के लिए सेइंग यस वाला करते हैं, मतलब सेइंग यस टू चीनू फॉर 24 आवर्स, 24 घंटे के लिए। तो कुछ भी कहेगा ना, ये दिला दो भैया, ये करना है वो करना है, तो मेरे को हाँ भरना पड़ेगा, मना नहीं कर सकता मैं। मस्त प्लान है, ये सही बात है, ये सही बात है। अभी आज नहीं करेंगे, पर लोग 11 हो चुके हैं ना। गाइस ये देखो भाई कितना बेवकूफ है, इसको पता है इसकी 2 बजे स्कूल की छुट्टी होती है। और कह रहे 9 बजे हुए हैं। ये क्या बात करता है यार, अभी स्टार्ट कर दो। तो भाई तुम कमेंट करके बताने भाई करना चाहिए फिर नहीं करना चाहिए सेइंग यस टू चीनू फॉर 24 आवर्स। जो जो ये बोलेगा ना वो मेरे को करना पड़ेगा, मैं मना नहीं कर सकता फिर इसको। किसका नहीं पता गाइस मेरे को क्या बोल दे। पागल है ये भी बोल देगा कि मेरे को ऐसे कैसे गाड़ी नैनीताल ले जाओ, मसूरी ले जाओ, चंडीगढ़ ले जाओ, कुछ भी बोल सकता है ये। ये बहुत अच्छी बात कही आपने, चैलेंज तो वही हो गया ना फिर, जिसमें कोई परेशानी ना हो तो वो चैलेंज किस बात का। बात तो सही है, देखते गैंग वाले भाई क्या बोलते ठीक है। सारे हाँ करना, एक भी मंगा मत करना ना प्लीज। फिलहाल स्कॉर्पियो एन घर पे खड़ी कर दी है। गाइस चाचा के वहाँ पे छोटी छोटी गलियाँ है, अपनी स्कॉर्पियो एन बहुत बड़ी है, तो शॉटगन पे चलते हैं। गाइस यहाँ पे दरवाजे के पीछे चिक्की खड़ी थी हमको सरप्राइज करने के लिए, इसकी नाक में चोट लग गई, क्या वीडियो बना रही थी चिक्की। गाइस आज तो चाचा चाची साथ में बैठे हैं, चाची ने नया फोन लिया है, चीनू बहुत खुश हो रहा है, कह रहा गेमिंग फोन है, इसमें गेम डाल देता है बहुत सारे। इसमें एक भी गेम अगर एक्स्ट्रा डलना मिल गया जो पिटाई करोगे, मैं एक बार खेल के डिलीट कर दूंगा। गाइस कह रहा मैं एक बार खेल के डिलीट कर दूंगा, फेस लॉक रहेगा हमारा। जब लॉक खुला होगा मैं सेटिंग पे जाके अपना फिंगरप्रिंट लगा। तो गाइस चीनू अभी ट्यूशन जा रहा है, ढंग से पढ़ाई करियो ठीक है, मार्क्स वार्क्स कुछ नहीं आते। गाइस अभी एक सीन हो गया, मैंने 3-4 बुराई कर दी फोन की, तो चाची को ना फोन पसंद आना बंद हो गया। क्या बात कर रहे हैं बाबा, अभी ही लिया था। चाची ना चाचा को कह रही है बार बार की फोन को वापस दे दो, फोन पसंद नहीं आ रहा मेरे को। ऐसा हो सकता है? अभी चाचा वापस से पैक कर रहे हैं फोन, ऐसे वापस हो जाएगा? वापस क्यों ना आएगा? चाचा ने पहले पूछा था कि भाई ये वाला फोन कैमरे के लिए चाहिए, उन्होंने ना ये वाला फोन दिया था चाचा को, अभी चाचा को भाई बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा, जो भी रेड चीजें है ना वो बहुत ज्यादा रेड दिखा रहा है। देखते भाई वापस होएगा नहीं होएगा, वैसे कैमरा खराब है सारा फोन वो करते हैं, कैमरा चेक नहीं करा इन्होंने, कैमरा ही चेक नहीं किया, बाकी सारी चीज चेक कर ली, व्हाट्सएप वगैरह सब डाल ली। जाके दुकान पे देखते वापस हो गया नहीं होएगा, मेरी गलती ना है। बड़े दुख की बात है गाइस, चाचा के आंसू आ गए। देखा आपने लापरवाही का नतीजा, निकू भैया पापा के साथ पोपट हो गया। चाची आपके लिए लाए थे और आप ही मजाक उड़ा रहे हो, माफ कीजिएगा ये ठीक नहीं हो रहा सर, आप गलत कर रहे हैं सर। चाचा चेक करके नहीं लाए, चाचा ने लापरवाही कर दी। तो गाइस अभी फिलहाल फोन वापस करने जा रहे हैं, तो देखते भाई वापस हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। चढ़ते जा रहा जूता लग जा नू ना बोला नू। फोन वापस नहीं होगा बिल्कुल भी। गाइस चाचा के साथ तो पोपट हो गया यार, कैमरा कुछ भी ना पाया इस फोन का। गाइस अभी 5:30 बज गए हैं, बच्ची को ट्यूशन से लेने जा रहा हूँ। आशु का लड़का भी आया पढ़ने, बैठो दोनों बैठो चलो।
गाइस ये देखो भाई, ये हेलीकॉप्टर हमारी बहुत देर से यहाँ पे घूमने लग रहा है। अभी भी इसने दो चक्कर काट लिए मेरे सामने। ये क्या कर रहा है? हेलीकॉप्टर घूमने लग रहा है बहुत देर से, तीसरा चक्कर काट रहा है। हमारे घर के ऊपर घूम रहा है गोल गोल। ये देखो फिर से वहाँ गया, वहाँ से घूम के दोबारा से यही आ जाएगा। इसका ड्राइवर पागल हो चुका है क्या? गाइस फिर से आ गया भाई, इसका पांचवा चक्कर है। ऐसा लग रहा है घर के ऊपर पॉइंट है और घर के चारों तरफ घूम रहा है। फिर से आ गया, टॉर्च ले, टॉर्च मार के देख रहे हैं। जैसे ही मैंने टॉर्च मारी ना वैसे भाग गया। तो गाइस अभी ना भाई चाचा एक छोटा सा कुत्ता लेके आए हैं घर में, देसी कुत्ते का पिल्ला है, रोड पे से उठा के लाए हैं। गाइस जाना भाई सर्दी में बहुत ज्यादा कांप रहा था। गाइस बिल्कुल बेहोश होने की हालत में था क्योंकि सर्दियों के मौसम चालू हो गए ना, अभी भी कांपने लग रहा है। क्यूट सा लग रहा है, बहुत ज्यादा है ना। इसकी मम्मी नहीं थी कोई भी, इसकी मम्मी वगैरह कोई नहीं था इसके पास में, अकेला पड़ा हुआ था साइड में। तो चाचा उठा ला इसको। क्या नाम रखे चिकी बता? कालू मोगली तो है हमारे पास एक और, ये भी तो है काला काला। तो काला है तो कालू मोगली नाम रखेगी, कितना प्यारा सा। इसको दे दे, रोने लग रही है। गाइस देखो भाई इसके कितने खतरनाक दांत है, देखो कितने पेन है, कितने शार्प है, कितने। ठंड लग रही है, कांप रहा है। और गाइस आज चाचा के साथ मस्त वाला पॉपट हो गया, फोन वापस देने गए थे। चाचा ने ना 7,000 रुपए दे के फोन वापस दिया है। 7,000 रुपए कम नहीं होते, मतलब कैमरे के लिए लाए थे, मेन कैमरा ही चेक नहीं किया चाचा ने, सिम वगैरह सब डाल ली थी। घर पे आने के बाद चाची ने कैमरा चला के देखा और चाची को पसंद नहीं आया। पता नहीं भाई वन प्लस के फोनों में क्या दिक्कत है, रेड चीजें ना बहुत ज्यादा रेड दिखा रहा है। गाइस पता नहीं उस मॉडल में ही दिक्कत थी या फिर वन प्लस के है ही फोन ऐसे। भाई कैसे चल रहा है? अरे कितना सा है देखो, मेरे हाथ के जितना है ये। क्या नाम रखा है इसका? मोजो, मोजो मोजो बोल रहे हो? अगर हम देसी कुत्ते की बॉडी बिल्डिंग करवा दे तो करवा सकते हैं भाई, तेरी बॉडी बिल्डिंग पक्की, डन। कोशिश करेंगे देसी कुत्ता भी बॉडी बिल्डर बन जाए। इसे सुसु कर दी पागल ने और मैं पोछो मारा एकदम से। ठीक है हम जिम जा रहे हैं, ठीक है बाय बाय बाय। गाइस देखो भाई चिरू कितने पसीने आ गए अभी से ही। वो ये क्या कर दिया, ड्रेस बना दी इसकी। भाई साहब गाइस कितना छोटा सा वो भाई, कार्टून लग रहा है देखे। हमें आइडिया भी नहीं था कि भाई आज एक डॉगी आ जाएगा और वो भी स्ट्रीट डॉग। वैसे गाइस अगर इसको चाचा लाते नहीं ना तो ये जिंदा नहीं रहता, बिल्कुल अकेला पड़ा हुआ था रोड पे और इसकी मम्मी छोड़ के चली गई थी इसको। सर्दी में कांप रहा था बहुत ज्यादा, कालू मोगली का बच्चा लग रहा है पूरा ये। तू चिंता मत कर, तेरे को ना बॉडी बिल्डर बनाएंगे और सबको दिखाएंगे कि भाई ये ना बॉडी बिल्डर बन सकता है। मम्मी की याद आ रही है। तो गाइस फाइनली अपना बैटमैन तो सो गया है और चीनू को भी नींद आ रही है। आज ना भाई मैंने चीनू को एक्सरसाइज करवा करवा के रुला ही दिया, कल से नहीं लेके जाऊंगा, तो रोता है। जाऊंगा। सोते सोते बोलने लग रहा है भाई रास्ते में सांड अभी थक जाती। तो गाइस फिलहाल मैं आ गया हूँ घर पे, अभी मैं ये खा रहा हूँ पनीर और साथ में लस्सी भी है। ऐसा खाना मेरे को एक महीने तक खाना पड़ेगा। गाइस मेरे को ये भी बहुत ज्यादा टेस्टी लग रहा है। और गाइस मैं ये सोच रहा हूँ अगर सेइंग यस टू चीनू फॉर 24 आवर्स मैं करता हूँ ना, चीनू वाटी लगा देगा, उसका पता ही नहीं भाई वो क्या मांग ले। पूरे दिन ना भाई चीनू की बात माननी पड़ेगी, वो जो भी बोलेगा ना मेरे को हाँ भरना है और मेरे को करना है। उसने बोल देना भाई मेरे को ये दिलाओ तो मेरे को दिलाना पड़ेगा। अगर वो बोलता ना भाई मेरे को नैनीताल लेके चलो, पॉसिबल भी नहीं हुआ ना तब भी करना पड़ेगा। मतलब वो कुछ भी बोल देता है वो वाट लगा देगा। बाकी भाई तुम कमेंट करके बताने भाई करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। बाकी भाई फिलहाल 12 बजने वाले हैं और खाने के बाद मैं करूंगा एडिटिंग और वीडियो को एक्सपेंड करते हैं। यही था आज की वीडियो में। सो थैंक यू सो मच गाइस वीडियो देखने के लिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। तुम्हारे भाई का चैनल है निक्कू का। सो थैंक यू सो मच, बाय एंड टेक केयर।